अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉलीवुड नाउ। तो जी हाँ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनाने लगे हैं। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने आपको दिखाया था कि निदा यासिर अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ मालदीव्स की हुई हैं सैर व तफरीक के लिए। निदा यासिर काफ़ी अरसे बाद कोरोना वायरस के तफरीक करने के लिए बाहर के मुल्क गई हैं, और उन्होंने ऐसा मुल्क चुना जहाँ पे लोग बहुत ही कम आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। निदा यासिर की आपको इससे पहले बताते चले, जब सास की डेथ हुई थी तब ये स्विट्ज़रलैंड अपने हस्बैंड के साथ सैर करने गई थी, और पीछे से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ गई थी। इस दौर भी जब निदा यासिर सैर करने गई तो इनकी वालदा की तरफ से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। निदा यासिर को आपको बताते चलें, अपनी वालदा के साथ बहुत प्यार है और ये अपनी वालदा की अक्सर शोज में भी तारीफ करते हुए दिखाई देती हैं। आगे हम बताते हैं कि इनकी वालदा को हुआ क्या। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको वक्त के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो जी हाँ नाज़रीन, निदा यासिर को भी छुट्टियों पे गए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि पीछे से इनकी वालदा के इंतकाल की खबर आ गई। निदा यासिर का कहना है कि इनकी वालदा बिल्कुल ठीक थी तो इसलिए वो बाहर गई थी, मगर अचानक अफसोसनाक खबर आई जब भी इनके पास नहीं थी। इनकी वालदा की अचानक डेथ इनकी पूरी फैमिली के लिए किसी शोक से कम नहीं है। निदा यासिर के साथ दूसरी दफ़ा ऐसा हो गया है कि बैरून मुल्क गई, उन्हें पीछे से बहुत अफसोसनाक खबर आई। सबसे पहले यासिर नवाज़ की मदर की डेथ की खबर आई थी, इस दफ़ा ये गई थी और इस दफ़ा इनकी मदर की खबर आई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए इस गम के मौका पर, और इनकी मदर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हॉलीवुड नाउ।